हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आई हूँ वॉक पे और मेरे पीछे आप देख सकते हैं मेरी मदर इन लॉ है और उनके साथ में उनके कुछ फ्रेंड्स हैं। कितने सालों से मैं देख रही हूँ कि ये लोग सुबह सुबह कुछ पत्ते लेकर आते हैं और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ये पत्ते ही खाते हैं। और अगर मैं इनके फिटनेस लेवल्स की बात करूँ, ये सब 60 अबव हैं और क्या इनके फिटनेस लेवल्स हैं, क्या इनके वर्कआउट्स हैं, आप खुद देख कर अमेज हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या पत्ते हैं और इन्हें क्यों खाना चाहिए, इनसे डायरेक्ट ही बात करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल? बढ़िया बढ़िया। मैं अभी एक्चुअली बता रही थी कि सुबह सुबह आप लोग कुछ पत्ते लेकर आते हो और डेली आप वो पत्ते खाते हो और कितने सालों से मैं देख रही हूँ, तो मैंने कहा कि आप मेरे साथ भी शेयर करो, मेरे ऑडियंस के साथ भी शेयर करो कि क्या है हमारी हेल्थ की जायदाद। अरे वाह, हमारी चोरी पकड़ी। जो हम पत्ते खा रहे हैं ना, सबसे बड़ा इफेक्ट तो इनके बॉडी से नजर आता है। इनकी बॉडी इतनी स्टिफ थी कि ये ना तो क्रॉस लेग करके बैठ सकते थे, ना इनकी बाजू ऊपर नीचे होती थी, बहुत ही स्टिफ। और अब जरा करके दिखाओ जमूरे। काफी कुछ कर लेती हूँ एक्सरसाइज में और ये सब भी ऐसे। हाँ, बिल्कुल स्टिफ थी इनकी बॉडी। यहाँ इतना ऐसे लगता था जैसे पत्थर बांध रखे हैं। हमारे साथ वॉक में कभी नहीं जाती थी। हाँ, वॉक नहीं करते थे, हम दोनों ही करते थे। अब एक डेढ़ साल से वॉक शुरू हो गई इनकी। तो गाइज, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और आज हम अर्ली मॉर्निंग शूट कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं मम्मा की बात करूँ ना, उनका कितने ही सालों से वॉक और एक्सरसाइज का इतना अच्छा रूटीन है, मतलब 1 घंटा योगा, 1 घंटा वॉक, मॉर्निंग भी और इवनिंग भी, इसके अलावा मेडिटेशन। डाइट तो हेल्दी है ही, मतलब 60 की एज में भी वो सभी तरह की एक्सरसाइजेस बहुत एफर्टलेसली कर लेती हैं और खुद को फिट रखने के साथ साथ वो अपनी फ्रेंड्स को भी कॉन्स्टेंटली मोटिवेट और इंस्पायर करती हैं। तो ये मॉर्निंग वॉक का रूटीन तो सालों से चल ही रहा है, ये सुबह सुबह पत्ते खाने का भी रूटीन लास्ट 2 साल से तो मैं देख ही रही हूँ और सबके फिटनेस लेवल्स में बहुत डिफरेंस आया है। तभी मुझे लगा कि मैं ये आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। और ये सभी पत्ते ऐसे हैं जो आपको आपके घर के आसपास ईजिली मिल जाएंगे, तो हम इसी से शुरू करते हैं। अच्छा, ये कौन से पत्ते हैं मम्मा, और डेली आप ये कितने पत्ते लेते हो? ये सदाबहार का प्लांट है और इसके पर्पल फ्लावर्स भी होते हैं और वाइट भी, और पत्ते आप देखो इसके ऐसे होते हैं। हम एक्चुअली 2 पत्ते डेली खाते हैं इसके, क्योंकि एक्चुअली साक्षी हुआ क्या कि जब मम्मी को कैंसर हुआ ना, तो डॉक्टर ने उनको बोला था सदा, पहले मुझे इसका नहीं पता था कि क्या वैल्यू है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि सदाबहार के पत्ते खाओ और मरुआ के खाओ, तो तब मैंने, हम सब ने, फिर मैंने इनको बताया अपनी फ्रेंड्स को, तो फिर हमने ये पत्ते खाने शुरू करे। ये एंटी कैंसरस है और एंटी डायबिटिक है। हम लोग वैसे तो 5-6 पत्ते इंसान रोज़ खा सकता है, लेकिन क्योंकि हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हम ठीक हैं, तो फिर हम रोज़ इसको 2 पत्ते इसके लेते हैं और अच्छे से चबा के खाते हैं। तो मतलब इसकी पहचान ये है कि इसके वाइट फ्लावर्स भी होते हैं और पर्पल फ्लावर्स भी होते हैं, तो इनमें से किसी के भी पत्ते आप ले सकते हैं। तो गाइस, जब आप इसके फायदे जान ही चुके हैं, तो डेली आपने सदाबहार के 2 पत्ते लेने हैं और सुबह इन्हें खाली पेट यानी कि एम्प्टी स्टमक लेना है। गाइस, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। ये मरुआ का जो प्लांट है ना, इसके 5-6 पत्ते तो हम डेली खा ही लेते हैं और इसका अरोमा इतना बढ़िया है कि जैसे कहते हैं ना, अरोमा थेरेपी में भी काम आता है, स्ट्रेस फ्री करता है और डाइजेशन में इट्स टू गुड। इतनी बढ़िया डाइजेशन होती है, इससे पेट के कीड़े तक निकलते हैं और जिनको भूख नहीं लगती ना, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। और यू नो, इसकी चटनी बड़ी अच्छी बनती है। तो इसकी चटनी बनती कैसे है? चटनी जैसे हम पुदीने की चटनी बनाते हैं ना, वैसे ही इसकी चटनी बनाई जाती है। खांसी, जुकाम, एवरीथिंग इट कैन क्योर। अगर इसके पत्तों को उबाल कर हम गरारे करते हैं, तो गले की खराश होती है वो ठीक होती है। फाइबर रिच है ये, और जब भी हम इसको लेते हैं तो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत दूर होती है। किसी को भूख ना लगती हो तो भी ये उसमें बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हम इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो फेफड़ों की क्लींजिंग होती है और जमी हुई बलगम भी बाहर निकलती है। सो इसके मल्टीपल फायदे हैं। तो गाइस, ये जो मरुआ का प्लांट है, इसके आप 5-6 पत्ते डेली ले सकते हैं। ये सभी पत्ते ऐसे हैं कि आप चाहें तो ये प्लांट्स अपने घर पर भी लगवा सकते हैं और सुबह सुबह फ्रेश पत्ते इंजॉय कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मम्मा को ना प्लांट्स का काफ़ी शौक है, और ये वन ऑफ द रीजंस है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, यहाँ इन्होंने कितने ही सारे कड़ी पत्ते के प्लांट्स लगवाए हैं। अब कड़ी पत्ता तो ऑलमोस्ट हर घर में यूज़ होता है, करीज में, चटनीज में, तड़के में, तो एज अ सोशल कॉज भी और शौकिया भी, ये जो पेड़ हम देख रहे हैं ना, ये सभी इन्होंने लगवाए हैं।
और ये जो पत्ते आज हम यूज़ कर रहे हैं, इनके फ़ायदे ले रहे हैं, ये जितने भी कड़ी पत्ते के पेड़ आप यहाँ देख रहे हैं ना, इसका क्रेडिट इन्हीं को जाता है। और जब आप सुबह सुबह फ्रेश कड़ी पत्ते तोड़ के खाते हो ना, तो क्या उसकी खुशबू होती है और क्या उसकी फ्रेशनेस होती है, मतलब मज़ा ही आ जाता है। तो आप लोग कड़ी पत्ता कब से खा रहे हो? कड़ी पत्ता की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब मैंने कड़ी पत्ता की वीडियो बनाई थी ना यूट्यूब के लिए, तो तब मैंने आके इन सबको फ़ायदे बताए, तो मेन अट्रैक्ट किया इनको वेट लूज की बात ने, तो तब से हम करी पत्ता खा रहे हैं। यानी हमें कितने साल हो गए? तीन चार साल हो गए। जो हम पत्ते खा रहे हैं ना, सबसे बड़ा इफेक्ट तो इनके बॉडी से नज़र आता है। इनकी बॉडी इतनी स्टिफ थी कि ये ना तो क्रॉस लेग करके बैठ सकते थे, ना इनकी बाजू ऊपर नीचे होती थी, बहुत ही स्टिफ। और अब ज़रा करके दिखाओ जमूरे बिल्कुल स्टिफ थी इनकी बॉडी, यहाँ इतना ऐसे लगता था जैसे पत्थर बांध रखे हैं। हमारे साथ वॉक में कभी नहीं जाती थी। हाँ, वॉक नहीं करते थे हम दोनों ही करते थे, अब एक डेढ़ साल से वॉक शुरू हो गई इनकी। करी पत्ता के भी टेस्ट और ये जो इसका अरोमा है बहुत बढ़िया है, और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, बी टू काफ़ी मात्रा में होता है, और आयरन का भी अच्छा सोर्स है। विटामिन ए रिच होने के कारण हमारी आंखों के लिए बहुत बढ़िया है, इसके अलावा हमारे हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत बढ़िया है। इसमें विटामिन सी भी है, कैल्शियम है, सो हम कह सकते हैं विटामिन डी ऊपर वाला दे रहा है और कैल्शियम हमें ये दे रहे हैं, सो हम तो फ़ायदे में ही है। और एक बात और, ये एंटी डायबिटिक भी है, ब्लड शुगर को मैनेज करने में बहुत बढ़िया है। हम डेली इसके 8-10 पत्ते खाते हैं। हमेशा जो सॉफ्ट पत्ते हैं वही खाने चाहिए। सॉफ्ट पत्ते इसलिए क्योंकि उसको अच्छे से हम चबा सकते हैं और उसका पूरा जूस हमारे अंदर जाता है, तो बेनिफिट्स तो सारे उसी के मिलने हैं। और एक और बात, इसके डेंटल हेल्थ में भी बहुत बढ़िया है, मसूड़ों के लिए, दांतों के लिए, दांतों के कीड़ों को ख़त्म करता है, इन्फेक्शन दूर करता है। तो आंटी, आपके घर में सब लोग खाने में कड़ी पत्ता एंजॉय करते हैं? कड़ी पत्ता बच्चों को वैसे पहले अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं इसको ड्राई करके फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ और ये स्टफ़ प्रॉन्ट ही बनाती हूँ इसकी, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। हर सब्ज़ी में ड्राई होता है मेरे पास, तो उसमें इडली में डालो या किसी में भी डालो तो बहुत ही अच्छा खुश स्मेल भी आती है। आलू का परांठा जब बनाते हैं उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो गाइस, डेली आप 8-10 कड़ी पत्ते खा सकते हैं, और इन सभी पत्तों के फ़ायदे आपको तभी मिलते हैं जब आप इन्हें सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग खाते हैं। नीम के पत्ते ऐसे हैं कि हर बीमारी का इलाज इसमें है, आप कोई भी बात करो तो नीम के पत्ते उसमें फ़ायदेमंद हैं। एंटी ऑक्सीडेंट हैं, एंटी कैंसरस हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, टॉक्सिन्स को बॉडी से रिमूव करते हैं। कहते हैं जब सिरदर्द हो रही हो ना, तो कुछ पत्ते नीम के चबा लो और सिरदर्द ठीक हो जाती है। डेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत बढ़िया है, कहते हैं अगर दांतों में कीड़ा है ना तो नीम के पत्ते चबा लो, इन्फेक्शन दूर हो जाएगी, मसूड़े ठीक हो जाएंगे, मसूड़ों में सूजन नहीं होगी। नीम का पेस्ट भी जो आता है तो इससे बढ़िया है, हम रूटीन से इसको हम चबाते हैं तो उसका ज़्यादा इफेक्ट होता होगा, क्योंकि डायरेक्ट हम चबा लेते हैं इसको तो इसका हाँ बिल्कुल। जो फ्रेश चीज़ का असर है वो फ्रेश का ही है। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आपको फ्रेश लीव्स रोज़ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ घूमते हैं, यहाँ तो काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं, तो हम फ्रेश ही रोज़ पत्ते लेते हैं, फ्रेश खाते हैं, लेकिन जिनको ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वो इन पत्तों को ड्राई करके पाउडर बना के ले सकते हैं, तो काफ़ी टाइम तक इनका पाउडर भी चल सकता है। नीम हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है, इससे हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, इसके विजन इम्प्रूव करने में भी बहुत बड़ा हाथ है, और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। इसकी पत्तियां चबाने से लिवर को भी बहुत फ़ायदा मिलता है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, यानी गट ठीक है, पेट ठीक है, तो प्रॉब्लम्स वैसे ही नहीं रहती। कह सकते हैं कि कॉमन फ्लू से लेकर हार्ट, कैंसर सबका इलाज इसमें है। शॉर्ट फॉर्म रामबाण। तो गाइस, नीम के भी आप 5-6 पत्ते डेली खा सकते हो। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, यहाँ कई तरह के फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ नींबू लगे हुए हैं, तो सुबह सुबह यहाँ वॉक करने का, ग्रीनरी एंजॉय करने का, सनलाइट लेने का अपना ही मजा है। और अगर मोर के दर्शन हो जाए तो बस सोने पे सुहागा। अच्छा आंटी, मेरे माइंड में एक सवाल है, और शायद ये सवाल बहुत से लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि नीम के पत्ते तो बहुत कड़वे होते हैं, तो क्या ये इजीली कच्चे खाए जाते हैं? नीम के पत्ते बहुत कड़वे होते हैं,
बट हम मिक्स करके खाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, पता ही नहीं चलता कड़वाहट का कि कड़वाहट भी है इसमें। और अब लास्ट में आते हैं अमरूद के पत्ते, तो ये भी आपने एकदम सॉफ्ट वाले तोड़ने हैं क्योंकि इन्हें भी कच्चा खाना है। ये अमरूद के पत्ते हैं और अब मैं बताती हूँ हम इसे क्यों खाते हैं, क्योंकि ये भी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज का इलाज है। डायरिया यानी लूज मोशन हो तो उसको ये रोकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को लो करते हैं, वेट लूज में बहुत फ़ायदेमंद है, डायबिटिक्स के लिए बहुत ही बढ़िया है, ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करते हैं। और इसको क्योंकि चबाना होता है तो इसलिए इसका खास ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट पत्ता होता है, जैसे ये बड़ा पत्ता है ना, और आपको हर पेड़ में इतना सॉफ्ट पत्ता कम मिलता है, क्योंकि कई कुछ लोग कुछ पत्ते ऐसे हैं जो छोटे भी लो तो भी हार्ड होते हैं, ये हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हमें सॉफ्ट पत्ते लेने हैं क्योंकि हमने चबाना है ताकि ईजीली चबाए जाएँ। अगर आपको सॉफ्ट पत्ते नहीं मिलते तो आप इसका फ़ायदा ऐसे भी ले सकते हैं कि जो भी पत्ते आपको मिल रहे हैं जैसे भी पेड़ के, उसे आप उबाल कर उसका पानी ले सकते हैं तो भी आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है कि क्या हमें ये सभी पत्ते सुबह खाली पेट ही खाने चाहिए? खाली पेट हम क्यों खाते हैं? आपके दिमाग में आता होगा कितने पत्ते आप खाली पेट खाने हैं, सब कुछ कितना कुछ खाली पेट खाना है। तो खाली पेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय हमारा जो डाइजेशन है ना, वो इसका हमें पूरा फ़ायदा मिलता है। जब हम पत्ते चबाते हैं उसका जूस हमारे अंदर जाता है, तो खाली पेट होने से उसका फ़ायदा जो है डबल हो जाता है। तो अमरूद के भी आप एक से दो पत्ते रोज़ खा सकते हैं, अगर बड़े साइज़ का पत्ता है तो एक ही काफ़ी है, अगर छोटे छोटे साइज़ के पत्ते हैं तो आप दो भी ले सकते हैं। मॉर्निंग वॉक जैसे हम घर जाते हैं मॉर्निंग वॉक करके, तो ये हम सब मिक्स करके जो खाते हैं तो एक इसका अलग ही हमें चार्म आता है कि मज़ा आता है, एक छोटी सी हमारी डाइट रेडी होती है जाते ही खाने के लिए, क्योंकि जाते ही हमें भूख बहुत लगती है। तो हम इवन हम कह सकते हैं कि हम इसको वॉश करके अच्छे से हम जैसे मुँह में डालते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे हम छोटी सी कोई बकरी है तो उसे खा सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आ गई इस बात से कि मैं दो तीन दिन पहले ना पत्ते लेके गई, तो मैंने TS को बोला कि आप, मुझे लगा था कि ये चाय पी के हटे, मैंने कहा आपने चाय पी ली? कहते हाँ, मुझे लगा पता नहीं तुझे कितनी देर लगी, मैंने कहा आपको पता तो है मैं आपके लिए पत्ते लेके आती हूँ तो आपने चाय क्यों पी ली? कहते ऐसे कर एक खोली बना ले, खोली समझते हो ना जो पशुओं को चारा डालने के लिए होती है, कहते तू खोली बना ले उसमें डाल दिया कर, जब मुझे टाइम होगा मैं आगे खा लिया करूँगा, कभी पत्ते डाल दिए कभी केले डाल दिए, मैं अपना लेता रहूँगा, तेरे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू मामा, थैंक यू आंटी, हमारे साथ ये इतनी इम्पॉर्टेंट बातें, इतनी इम्पॉर्टेंट नॉलेज शेयर करने के लिए। आई एम श्योर आज से ये छोटी छोटी हैबिट्स बहुत से लोगों के रूटीन में जुड़ने वाली हैं और उनकी लाइफ बदलने वाली है। तो गाइज, अगर आप भी कल से ये नई आदत शुरू करने वाले हैं तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ, और अगर ये वीडियो यूजफुल लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट।